بسم الله الرحمن الرحيم نحمد ونصلي على رسول الكريم أما بعد الحمد لله we are back again اللہ تعالیٰ نے جو کچھ نعمتیں میسر کی تھیں اس سے فارغ ہونے کے بعد ہم لوگ دوبارہ سیشن کی طرف واپس لوٹتے ہیں اور اس سے پہلے کہ میں سیشن کو آگے بڑھاؤں میں ہماری آرگنائزنگ ٹیم اور ہماری مینجمنٹ ٹیم ان سب کی طرف سے ہم سب سے پہلے خوش آمدید کرنا چاہیں گے ہمارے خصوصی مہمان جناب وقار انور صاحب جو اسلامک فائننس کے ایکسپرٹ ہیں اور ایڈوائزر ہیں جماعت اسلامی ہند کے فائنینشیل ایڈوائزر اور بہت ہی شارٹ نوٹس پر مطلب کل کے کل ان کو اطلاع دی گئی اور وہ حاضر ہو گئے ان کی مہربانی ہے ہمارے اوپر آپ اسلامک فائننس کے اوپر اکثر ورک شاپ کرتے ہیں اور بہت پرانا تجربہ ہے اس لائن کا میں درخواست کروں گا کہ جناب عبدالرشید انکل تشریف لا کر ان کے بارے میں ایک مختصر تعارف کرا لیں اور پھر مہمان کو بلا لیں وہ ہمیں تھوڑا روشناس کرا دیں اسلامک فائننس کے بارے میں کہ اس کی کیا ضرورت اور اہمیت ہے الحمد للہ رب العالمین حمدًا کثیرًا طیبًا اللہم صلی اللہ سیدہ محمد وعلى سیدہ محمد وبارک وسلم تسلیمًا کثیرًا کثیرًا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة من تصدق خير لكم إن كنتم تعلمون فاتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون حضرت ابھی مولانا نے جس سے آیت کا تلاوت ترجمہ کیا میں خود کیا تو کیا کو پڑھنے کے لیے مولانا دو آیت پڑھو کے تیسری آیت چوتھی آیت میں نے تلاوت کر دی مجھے سہولت ہوگی قرآن کی جو سب سے بڑی آیت ہے سب سے بڑی آیت اور کم جو واقف ہوں گے جو معاملات سے متعلق ہے اور میں نے جو آیت پڑھی اس کے بعد والی آیت سورہ بقرہ کی آیت 184 ہے وہ جس میں لین دین قرض کے لین دین تفصیلات بیان کی گئی ہے اس سے بڑی آیت قرآن میں کوئی نہیں ہے آیت الدین کہتے ہیں اس کے پہلے کی جو آیت میں نے تلاوت کی ہے جو قرآن کی مفسرین کہتے ہیں کہ آخری آیت ہے وہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال سے 8 دنوں قبل یہ آیت نازل ہوئی تمام مفسرین تقریباً اسی آیت کو آخری آیت کہتے ہیں اور اس سے پہلے کی آیت ہے جس طرح میں نے کہ بکر دو آیتوں کو سکول کی مانا نے تلاوت کی میں آپ کی بات شروع کروں گا مشہور حدیث ہے وہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نہا عن ربی مالم
नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिबही मालम लिखा। अगर मैं आज वुज़ू करूँगा तो इस्लामी खाना से नहीं होगा, इस्लामी माशियात से होगा। माशियात दुनिया के खाना से, हमारे यहाँ इस्लामी माशियात खाना को वुज़ू करने वाले लोग हैं, इस्लामी माशियात की बुनियादों से बहुत ज़्यादा वाकिफ नहीं होते हैं। इसे मैं चाहूँगा चंद ज़रूरी बातें कन्वेंशनल माशियात की, जो आज माशियात इस्लामी माशियात तकाबुल के आपके सामने आ जाए, ताकि इस्लामी खाना से धीरे धीरे मौजूद समझने में आपको आसानी हो। मसला होता है हम एक चीज़ से वाकिफ भी हम तस्करा करते हैं। जदीद माशियात जो है जो आज दुनिया में ऐसी चल रही है, आप उससे वाकिफ नहीं हो, इस्लामी माशियात के नाम पर तस्करा करें तो आप बुनियादी गलतियाँ करेंगे। एक बात याद रखिए, दीन इस्लाम का मिजाज ये है तो अकायद के मामले में किसी किस्म की चीज़ों की परवाह नहीं रखता, वादे तब्दीली चाहता है। अकायद की वादे तब्दीली दीन इस्लाम का मिजाज है, मामलात में दीन का ही मिजाज नहीं है। अकायद बिल्कुल नया सेट है, तौहीद है, शिर्क नहीं है, आखरत है, आवागमन नहीं है, रसालत है, कोई और उसवा नहीं है, एकदम वादे है, नकी में कोई किसी किस्म की रवायत नहीं है, एकदम नया सेट है। लेकिन मामला की दुनिया में इस्लाम का रवैया ये है, कुछ कुछ जारी है दुनिया में मामला, उनमें इस्लाम इसलाह करता है तो नए से शामिल नहीं करता है। इस्लामिक खाना की जो इसलाहें बोली जाती हैं, जिन चीज़ों को हम उसके नाम लेते हैं, वो कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो इस्लाम की पैदा करता है, पहले से जारी थी। सल्लम आए, उसकी खराबी को उसकी इसलाह की जो शामिल हो गया। मामला का तरीका नई इमारत बनाने का नहीं, नए सिरे से आप नए तोड़ दिया, नई बुनियादों को खड़ी करें। अकायद नए सिरे से तामील किए जाते हैं, मामला में इसलाह की जाती है, ये इस्लाम का रवैया है। इसलिए जिस चीज़ की इसलाह करनी है, जो राइज है, वो समझना जरूरी है। दूसरी उसूली बात यह है, इस्लाम में हम ईमान भी चलते हैं कि इंसान दुनिया में जितनी जारी है वो आम तौर पर दुरुस्त है, जब तक ना दुरुस्त होना साबित ना हो जाए। हमें हर चीज़ के दुरुस्त होने या ना दुरुस्त होने को गुफ्तगू नहीं करनी है, अगर ना दुरुस्त है तो दुरुस्त है, ये बुनियादी उसूल है शरीयत का। जो चीज़ जारी है वो दुरुस्त है, जो हिस्सा ना दुरुस्त है उसकी ज़्यादा। दुनिया में कारोबार हो रहे हैं, उसमें जुआ है, उसमें सूद है, तो निकाल दीजिए, कारोबार जायज़ हो जाएगी। जो भी गलत चीज़ें जारी हैं, हमें सिर्फ ये देखना है क्या चीज़ें गलत है, और गलत होने वाली चीज़ें हैं तो लिस्ट तबील नहीं है, कि दीन आसान दीन है। ये तकरीबन हमारे उलमा ने 15 बातों में निशानदेही की, 15 चीज़ें ऐसी हैं, 15 नहीं 17-18 हो जाएंगी कि जिनको आप कहिए कि मना की गई है, अब उसे बच जाइए, बाकी हर चीज़ दुरुस्त है। मेरी किताब क्या है वो बिजनेस आने हिसाब में 15 चीज़ों को तस्करा किया है, उसमें सूद है, उसमें रिबा है, उसमें एहतकार है, अब लिस्ट है वो जरर है, बरर है, वगैरह बेतन फिर गई है। कुछ चीज़ें हैं मुतयन चीज़ें हैं, वो 15 नहीं होंगी, बड़ी गिनती में 15 है, आप गिनती करेंगे 20 हो जाएगी, लेकिन बहुत तवील नहीं है। दीन का हुस्न ये है कि दुनिया में मौजूद चीज़ों को दुरुस्त मान के चलिए, और जो चीज़ें गलत है उस पर निगाह डालिए, गलत के लिए तवील नहीं है, उसकी सलाह कर लीजिए, बाकी सब ठीक है। ये बुनियादी सोच चलेंगे हम लोग, समझने में आसानी होगी। आप ही तो माना आता है गुफ्तगू की, तो गुफ्तगू में मेरे लिए पहलू आसान हो गया, माना ने माल के पर गुफ्तगू की, माना इस बात पर गुफ्तगू की मकासद शरीयत क्या है, अच्छा तारुफ कराया उसका। माना ने हमारे सामने जो गुफ्तगू की, उसमें ये बताया कि तीन इस्लाम के जो कवानीन है, ये खसूसियात क्या है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या है इस्लाम की, इस्लामिक लॉ की, ये तीन बातें बहुत फायदे आपके सामने आ चुकी हैं। मैं चाहूँगा कि इनके अलावा चंद बातें और आपके सामने आ जाए, जैसा कि आपको मालूम है, मुझे मौजूद क्योंकि मालूम नहीं था, बस खुद मैंने तो तैयारी की थी, जो बातें मैंने तैयारी की हैं उन्हें जो बातें आज के लिए वकील होंगे आपके सामने पेश हो जाएंगी, और फिर दिन जो है गुफ्तगू आपके लिए मौका होगा थोड़ा जो आपका गुफ्तगू आगे बढ़ेगी। मैं इस मौजू पर बोलने लिखने का मौका मिलता रहता है, और सामने मौजूद लोग तरह तरह के होते हैं, उलमाए कराम भी होते हैं, तारीख के तलबा भी होते हैं, वो लोग भी होते हैं जो माशियात के माहिरीन हैं, प्रोफेसर भी होते हैं, उनके सामने गुफ्तगू करनी होती है, हर मौके की गुफ्तगू की जबान दूसरी होती है, अंग्रेजी भी होती है, उर्दू भी होती है, लेवल अलग अलग होता है, बात वही होती है, बात कम्युनिकेट हो जाए तो शायद गुफ्तगू वैसी की जाती है जो सामने वाला समझ लेता है।
मैं अपनी पूरी गुफ्तगू हमेशा आसान तरीके से बयान करने के लिए कुछ चीजों को तैयार कर रखा है। मुझसे पूछिए, ले मैन की तरह बताना हो इस्लामी माशियात क्या है, मैं चंद इस्लाम बताऊंगा। इस्लामी माशियात यह है कि आपको कमाने की इजाजत है, कमाओ, जायज तरीके से, नजायज ना कमाओ। ये कमाने से नहीं रोकता है, दुनिया के दीगर मजाहिब दुनिया को कमाने से रोकते हैं। इस्लाम प्रोएक्टिव है माल के मामले में, माल हलाल तरीके इतना इस्तेमाल कर सकते हैं कीजिए, वो तरीका जायज होना चाहिए। और जो कमाया है खर्च करो, मैं कहता हूँ खाओ बढ़ाने के लिए, कमाओ भी और खाओ भी, कोई हर्ज नहीं है। आपकी हैसियत बड़ी है, आप अच्छा खाना खाएंगे, दूसरे की हैसियत बड़ी नहीं है वहाँ भी खाना खाएगा। वो सिला था मस्जिद में खराब आए, लिबास मामूली था, क्या तुम्हारे पास माल नहीं है, बस हर तरह का माल है, बकरी भी है, ऊंट भी है, हर तरह का माल है, तो उसका असर क्यों नहीं तुम्हारे ऊपर? यानी आप मालदार हैं और आप ऐसा लिबास पहनेंगे जहाँ माजा नहीं लगे, इंतजाम नहीं है, लेकिन यार न खाएं बता दिया गया है, वहाँ खाने में क्या क्या मना है, क्या चीज़ हराम है, क्या नीयत हराम है, पेशाबा हराम है, कुफ्र भी हराम है, तो इस्लाम भी हराम है, तफसीलात गलत होने की बता दी गई। बाकी आपको मौका है, कमाया है तो खाइए भी, कुछ ज्यादा कमा लिया है तो बचाइए भी, बचाओ, बचा कमाओ खाओ बचाओ, लेकिन बचा लिया तो रकात दो उसके ऊपर, साल में बचा रह गया 12 महीने, उसके उससे निकालो 2.5% या जो भी तरीका है, जानवरों की शक्ल में उसकी रेट अलग है, तो कमाओ खाओ बचाओ। अच्छा बचा कमा लिया तो दोबारा बढ़ाने के लिए लगाओ भी, री इन्वेस्ट करो, आप अप्लाई करो, हम उसे कहते हैं मशगूल करो, उर्दू जबान में सर कहेंगे इन्वेस्ट करो और बढ़ाओ, कमाने भी कमा नहीं करो, खूब कमाओ खूब खाओ खूब बचाओ, अभी बचा है उसको और लगाओ बढ़ाने के लिए। लेकिन सब करते हुए जाओ, दुनिया से जाना है तुमको, जाने के पहले बच गया तो क्या करना है, दोबारा लगाना है तो हलाल में लगाओगे, तस्वीरें मौजूद है। जाने के पहले एक तिहाई की वसीयत कर सकते हो, बाकी भी तुम्हारा कोई हक नहीं, विरासत का काम अल्लाह ने तय कर दिया, रसूल ने तय कर दिया। कमाओ खाओ बचाओ लगाओ जाओ, और जाने के बाद क्या होगा, जाने के बाद एक तिहाई पर तुमको मौका है, जो वारिस होंगे उनके अलावा दूसरे वसीयत कर दो, वारिसों के तफसीलात तो तुमको गौर नहीं करना है, खेदत ने तय कर दिया है, वहां लग जाए। पूरा टीम जो है इसी फॉर्म में है, जदीद दुनिया में गुफ्तगू की जाती है इसी चीज को आप अजीब तरह देखेंगे। जो प्रोसेस है लॉ का, इकोनॉमिक्स का, वो शुरू होता है सेविंग से, आप कमाते हैं कुछ बचाते हैं, सेविंग में कुछ सेविंग जो होती है वो आपके पर्सनल नीड के लिए होती है, बुरे दिनों के लिए होती है, आप बचाव को खर्च नहीं करते, आप बकिया सेविंग में आपको शौक लाया जाता है आप इन्वेस्ट करें। तो सेविंग का एक पार्ट पोर्शन वो होता है जो आप इन्वेस्ट करते हैं, मशगूल करना कहते हैं। ये जो प्रोसेस है उसके बाद जो आपको रकम आती है उससे आप कैपिटल एसेट बिल्डअप करते हैं, हम तकवीन शरबत कहते हैं इसको, आप रोज रोजू का जमा करेंगे। तो सेविंग से बिजनेस शुरू होता है, सेविंग का एक पोर्शन को इन्वेस्टमेंट किया जाता है, और फिर आप इन्वेस्टमेंट करता है तो कैपिटल फॉर्मेशन करता है, आप बिजनेस करते हैं तो बच गया रकम, बच गई और कारोबार में लगाया और बढ़ाया, इन्वेस्ट किया, फिर आपने क्या किया, मकान बना लिया, एक गाड़ी खरीद ली, तो आपने कैपिटल फॉर्मेशन किया। ये जदीद दुनिया में इकोनॉमिक्स के प्रोसेस है जिसमें गुफ्तगू करते हैं। हमने आपको बताया कि इस्लामी एंगल से हम देखेंगे तो गुफ्तगू सिर्फ सेविंग की नहीं है, बल्कि कैसे कमाओ जायज, वहाँ से गुफ्तगू शुरू होती है, जाने तक गुफ्तगू होती रहती है, तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे माल का क्या होगा, पूरी गुफ्तगू होती है। जदीद इकोनॉमिक्स जो है वो चलती है सेविंग से। जो डिलेमा है इकोनॉमिक्स की किताबों में, मैं अकाउंटेंट हूँ बेसिकली, कौन से अकाउंटेंट हो, इकोनॉमिक्स बड़ा एक सब्जेक्ट रहा है, अकाउंट सबके प्रोफेशन मौजूद है, हमें हमारे सब्जेक्ट अकाउंटेंसी है वो अप्लाइड इकोनॉमिक्स है। बेसिकली इकोनॉमिक्स में जब हम पढ़ते हैं वहाँ जो चीज़ पढ़ाई जाती है दुनिया में आमदन हो नहीं रहा है। हम इकोनॉमिक किताबों में पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स शुरू होती है सेविंग से, और दुनिया में सेविंग नहीं हो रही है, बल्कि दुनिया में इकोनॉमिक शुरू होती है डेट से, कर्ज से, और उस पर सूद दिया जाता है। यही से हमें और आज दुनिया में फर्क हो जाता है, और वो भी हम में और इकोनॉमिक थ्योरी में नहीं, थ्योरी जहाँ भी वही है,
आज भी हम इसी कोई किताब पढ़ लीजिए, मैं जब प्रारिजन था तो इनके प्रसाद नाथ किताब किताब पढ़ा करता था, ये की मिथा तो कितने मिथा वहाँ किताब पढ़ती, मैं द्वारा मंगवाई हाल में पढ़ने के देखने के लिए रेफर करने के लिए, वहाँ भी वही लिखा हुआ है जो हमने पढ़ा था। मेरी प्रारिजनियों के जमाने में जो कमिश थी आज भी वही है, क्योंकि दुनिया में जो कुछ हो रहा है वो किताबों के मुताबिक नहीं हो रहा है। हम ये कहते हैं बैक टू इकोनॉमिक्स, जो फंडामेंटल्स है इकोनॉमिक्स के वहाँ आइए, डेट बेस इकोनॉमी नहीं हो, इक्विटी बेस इकोनॉमी हो। यहाँ हम वादे फर्क करते हैं जदीद माशिया से, हम डेट को डिस्करेज करते हैं, इक्विटी को इनकरेज करते हैं। डेट का एक पोर्शन लाजमी है, होगा ही, जैसे ट्रेड ट्रेड होती है, बिजनेस करेंगे उधार खरीदेंगे उधार बेचेंगे, वो तो हो गई, हमेशा से हो रहा है। डेट पर जो चार्ज होता है इंटरेस्ट की शक्ल में, हमें वहाँ पर इतराज है। इकोनॉमिक सेविंग से चले, कर्ज से नहीं। इकोनॉमिक्स अगर क्रेडिट है वो क्रेडिट है भी विदाउट चार्ज हो, बगैर इंटरेस्ट के हो, ये हमारा कंसेप्ट है। हमसे पूछिए पाषाण जमाने में मैंने आपको पूरी इकोनॉमिक्स आज क्या है, थ्योरी क्या है, और हम इकोनॉमिक इकोनॉमिक क्या कहते हैं आपको बता दिए। इकोनॉमिक जो कुछ थ्योरी किताबों में लिखा हुआ है उसके मुताबिक चलिए, वहाँ एक इतराज हमें है। इतराज ये है कि वहाँ जस्टिफाई किया गया है कैपिटल की पेमेंट को इंटरेस्ट की शक्ल में, हम उससे इख्तलाफ करते हैं और कुछ नहीं हमारा तरफ। जदीद माशियात की किताबों में जो थ्योरी लिखी हुई है हम उसे मान के चलते हैं, हमारे इख्तलाफ चंद चीज़ों पर है, वो गुफ्तगू मैं करूँगा आपके सामने। एक इख्तलाफ ये है, वहाँ ये कहते हैं इकोनॉमिक्स का डिफिनेशन ये देते हैं कि दुनिया के वसाइल स्कार्स हैं, कम है, इसलिए आदमी को जो चीज़ कम होती है उसको हासिल करने के लिए कोशिश करनी पड़ती है। वाफिर होती इसका मसला नहीं था, हवा है सांस ले रहे हैं, कल जाके हवा पॉल्यूट हो जाए और ऑक्सीजन का मास्क लगाना पड़े हमको और आपको, तो ऑक्सीजन का मास्क बिजनेस आइटम हो जाएगा। पानी में जब मैं कॉलेज का स्टूडेंट था तो तस्वुर नहीं था कि पानी की ट्रेडिंग भी होगी, अब बॉटल में पानी मौजूद है, ट्रेडिंग हो रही है, अच्छा पानी अवेलेबल नहीं है। तो इस तरह से जो चीज भी स्कार्स है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। अब समुद्र के किनारे हो, किनारे हो, दरिया के किनारे हो, पानी अवेलेबल, बाल्टी डालिए पानी निकाल लीजिए, वहाँ बिजनेस नहीं है। लेकिन बाल्टी में पानी आप तो निकाला, इस जगह में उपयोग की जाती है, गांव में लाए, गांव में आपके बाल्टी में आप उसका मालिक हो गया, उस पानी के लिए गाँव में पानी पैसे मौजूद नहीं, अब उस पानी को बेच सकते हैं, वहाँ तो कोई भी निकाल सकता था। जो चीज वाफिर है उसकी ट्रेडिंग नहीं होगी, हवा की ट्रेडिंग क्यों होगी, पानी की पैसे नहीं होती, हो रही है साफ पानी की, पीने के पानी की। तो जो चीज भी स्कार्स है उसी के सिस्टम में जो कड़ी है इसको हम आज के जमाने में इकोनॉमिक्स कहते हैं। यही है डिफरेंस इकोनॉमिक्स का। हम वो ये कहते हैं कि चीज़ें बुनियादी तौर पर कम हैं, हम ये कहते हैं कम नहीं है, अल्लाह ने कोशिश कम नहीं पैदा की है, इंसानों के करप्शन की वजह से, हिस्स की वजह से, या उनकी इन्हें की वजह से इनकार करते कि शादी की वजह से चीज़ों स्कार्स लगती हैं, है नहीं, बहुत बड़ा फर्क हो जाता है लोगों का। हम ये कायल है इस बात के कि अल्लाह ताला ने इंसानों को जमीन के लिए बसाया, बारिश उनके लिए जमाने नहीं फराम कर दिया, बकरना हम पान पढ़ाई पड़ते हैं। हम जो ये कहते हैं कि अल्लाह ताला ने कोई चीज़ कम नहीं पाया कि इंसानों को अपनी जरूरतों के लिए विदेश पर नहीं जाना होगा, जमीन सारी जरूरतें पूरा करेगी तामत तक। लेकिन आदमियों का हिस्सा हाल ये है, ये बात कही हदीस में आया है कि आदमी का हिस्सा ये आलम है, एक वादी दे दो फिर उस दो वादी की तलब करेगा, मौत जो कब्र की मिट्टी की सफेद भरेगी, दुनिया में सफेद भरेगा। इस हाल यह कहते हैं कि जमीन एक आदमी की हिस्स पूरी करने के लायक नहीं, मुझे इतनी तरह है चीज़ों की कि जमीन ना काफी है। और सच्ची बात यह है कि जमीन तमाम इंसानों की जरूरतें पूरी करने काफी है, लालच एक ही पूरी नहीं सकती है, बहुत कम छोटी जमीन है, लालच यह तो नहीं है। यही वजह है कि तस्करा आता है जन्नत के बारे में तो दो जमीनों के बराबर होगी, इंसान की जो ख्वाहिश होती है ना उसका नज्म किया गया है। मरकज जमात के बड़े बुजुर्ग हैं हमारा फारूक खान साहब, आप सब वाकई वो एक बात कहते हैं, दिलचस्प बात कहते हैं, कहते हैं इंसानों ने जो तलब पैदा की है, चाहता है बीमार ना हो, मौत ना आए, खूब दौलत मिले, ये तलब अगर जन्नत ना हो, आखिरत ना हो, ये तलब झूठी हो जाती है।
तलब पैदा कर दी गई, समान वहां फराहम किया गया, यहाँ शर्त यहाँ की जरूरत जिंदगी शब्द पूरा करो वहां सब मिल जाएगी, तो तरक्की न मौत आएगी न बीमारी आएगी न बुढ़ापा और न कोई कमी होगी चीजों की। इंसान की ख्वाहिश है सर, ख्वाहिश यहाँ पूरी नहीं होगी। देखिए कितना फर्क पड़ता है सरबराज का, एक बड़ा इकोनॉमिस्ट है रिकार्डो, वो एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट है, उसका मशहूर जुमला है, कहता है कि जमीन इकोनॉमिक समस्या ये है कि फितरत जो है वो कंजूस है। अगर फितरत कंजूस होती है, फितरत बोलते हैं तो मुराद खुदा लेते हैं, खुदा नहीं कर फितरत कह देते हैं, नेचर की निगार्डनेस है वो कंजूसी है, इंसानों को मसाइल पैदा हो गए हैं। अगर नेचर कंजूस नहीं होती तो मसाइल नहीं पैदा होते। मैं उसके जवाब में कहता हूँ कि नेचर यहाँ के लिए कंजूस है, जमीन ऐसी बनाएगी वहाँ वो पूरा खराब कर देगी, तो वहाँ की जिंदगी में ये कमी वहाँ नहीं होगी, यहाँ उसी के टेस्ट है इसलिए कमी है। तो मैं ये कह रहा था कि तस्वुर का फर्क ये हुआ, लेकिन हकीकत को इवन टाइम में चीज़ें कम होती हैं। आज आपको मोहल्ले में एक इमारत आमिर करनी है, सीमेंट बालू हर चीज़ आपको लानी होगी, मौजूद नहीं उठाए और ले लें, खरीदनी होगी जमा करनी होगी, गिवन टाइम में चीज़ें स्कार्स होती हैं, इसलिए उसके इल्म की ज़रूरत है। यहाँ तक तबाह करते हैं लेकिन इससे तबाह नहीं करते हैं, जैसा अल्लाह तआला ने कम पैदा किया। जदीद माशियात इस्लामी माशियात का बुनियादी फर्क यह है, जदीद माशियात कहती है कि इकोनॉमिक्स इज वैल्यू न्यूट्रल, उसको कोई लेना देना नहीं है अखलाकियात से। हम ये कहते हैं इकोनॉमिक्स को भी दुनिया के दूसरे रूप की तरह से अकदार का और अखलाकियात का पाबंद होना चाहिए, ये उसूली तस्वुर हमारा है। उसूल में जहाँ फर्क करते हैं वो ये है और कोई फर्क नहीं हमारा, और तफसीलात में जहाँ फर्क करते हैं, जदीद माशियात शुरू होती है प्रोडक्शन से, इंसानों की आबादी बढ़ रही है, ज़रूरतें बढ़ रही हैं, तो चीज़ें पैदा करनी होंगी। प्रोडक्शन के जो मीन्स हैं जिनसे प्रोडक्शन किया जाता है, उसमें लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, एंटरप्रेन्योर है, एक आदमी से प्लान करता है, वहाँ कहते हैं लैंड को आप किराया देंगे, आपको मजदूर है लेबर है तो उसको भेज देंगे, मालिक है तो प्रॉफिट लेगा, कैपिटल को क्या मिलेगा? जदीद माशियात कहती है कैपिटल को सूद मिलेगा। जैसे जमीन का किराया है तो कैपिटल का किराया है। हम ये कहते हैं कि नहीं, कैपिटल लाना ओनर की जिम्मेदारी है, उसके प्रॉफिट में उसी शामिल है, वो दो नाम से पैसा ले रहा है, प्रॉफिट भी ले रहा है और कैपिटल जो लगाया उसका इंटरेस्ट भी ले रहा है। हम यहाँ फर्क करते हैं, हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को तीन कर देते हैं। रिबा के सिलसिले में हम अनकम्प्रोमाइजिंग है, कुरान और हदीस में साफ गुफ्तगू की गई है, जो आयत मानने पड़ी थी वहाँ कहा गया था कि जो सूद बाकी है वो माफ़ कर दो, और जो अगर तुम मुत्तकी हो तो अल्लाह के तवा करते हो तो अल्लाह रसूल से जंग होगी, उस मकाम में अदान करा कर बहादी से तीस सख्त बातें कही गई हैं, जो तीस सख्त बातें किसी और बुराई के बारे में नहीं की गई हैं, मैं दोहराऊंगा नहीं उसको, इतनी सख्त बातें कही गई हैं सिर्फ रिबा के सिलसिले में लोगों की गलती करते हैं। दीन के अंदाज बहुत अनकम्प्रोमाइजिंग है, लेकिन हकीकत यह है ये हुक्म जो है दीन के फाइनल रिबा के ख़त्म करने का, ये आखिरी ज़माने का हुक्म है, अहमद फरमाते हैं ये आखिरी हुक्म है हम लोग मिला है। जो बात इंसान है जो आए जो माना में पढ़ी दो और एक महीने पढ़ी तीन मुकम्मल का आखिरी हुक्म हो ये, तो उस बात की आज आखिरी आए थे। उसका मसला यह है कि दीन अमली चीज़ है, ये वहाँ तक पहुँचाता है मसाइल हल हो जाए। शराब जब तक खराब नहीं की गई थी, धीरे धीरे करके हराम की गई और उसको बंद कर दिया, दिन का मिजाज है ये। लेकिन शराब हराम है, सूद हराम है, इसमें कोई कम्प्रोमाइज नहीं कर सकता है। तो मैं ये कह रहा था कि इस्लामी माशियात में तो दो चीज़ें ऐसी हैं जो जदीद माशियात से एकदम अलग हैं, एक का ताल्लुक शराब सूद से है, एक का ताल्लुक जो है वो किमार से है, जो कुरान में मैसर कहा है। ये जो दो चीज़ें हैं रुजू कर ली जाए इस्लामी माशियात और जदीद माशियात का फर्क मालूम हो जाता है। तस्वुर के हाथ में वो है, हर चीज़ें बुराई तौर पर अल्लाह ने सब फराम कर दिया, इंसान का करप्शन या इनफिशेंसी की वजह से वो महसूस होता है कुछ कम है। उसूली तस्वुर यह है हम अखलाकियात के कायल हैं, माशियात में हम वैल्यूज के कायल हैं, वैल्यू न्यूट्रल नहीं है, वैल्यू पॉजिटिव है, और अमली तफसीलात यह है कि हम सूद के गुरबत के कायल हैं। इस्लामी माशियात सूद के मामले में किसी किस्म का कम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं है। और अभी पाकिस्तान में शरिया बोर्ड ने जो फैसला किया है सूद के हक में, वो टेक्स मौजूद है, आप किससे दिलचस्पी हो उसके जजमेंट को पढ़ लें, शानदार जजमेंट है वो,
तफसीलात मालूम हो जाएंगे आपको आज के ज़माने में कितना काबिल अमल है ये तसव्वुर बिलासूदी माशियात का। तो पूरी गुफ्तगू वहाँ की गई है, मैं सिर्फ सूद के बारे में बातें करके बातें पूरी कर लूँगा। सूद है क्या? रिबा कहते हैं इजाफे को, प्रीमियम, एड ऑन, एडिशन। हर वो इजाफा जो मशरूत हो और उसके पीछे कोई जस्टिफिकेशन नहीं हो चाहिए थी, वो सूद है। तो इस तरह हम शुरू करेंगे तो कहते हैं जिस चीज का काउंटर वैल्यू नहीं है, जिस चीज के बारे में कहिए कि उस चीज में एवज नहीं है, उसके बदले की क्यों इजाफा हो रहा है, ज्यादा क्यों मिल रहा है, वजह होनी चाहिए ना। हमने 100 रुपए दिया आपको और एक दो वापस करें, दो क्यों ज्यादा देंगे आप, कोई वजह तो होगी ना। इजाफा अगर जस्टिफाइड है निगाह में तो वो सूद नहीं है, इजाफा जस्टिफाइड नहीं है तो सूद है। जस्टिफिकेशन को जब इस्तेमाल करते हैं हमारे यहाँ वाकियात के अरबी जबान में एवज कहते हैं, उसको अंग्रेजी में काउंटर वैल्यू कहते हैं। समथिंग शुड जस्टिफाई द इंक्रीज, अगर जस्टिफाइड नहीं है तो रिबा है। और वो चीज के बारे में कहते हैं कि वो चीज़ ऐसी होनी चाहिए जो मशरूत नहीं होना चाहिए। उस सल्लम ने किसी से कर्ज लिया, अब वापस ज्यादा दिया, तो ज्यादा देना रिबा नहीं है, ये एहसान है। इसलिए शर्त रायत की नहीं थी, शर्त ये थी कितना हमने कर्ज ले रहे हैं, एक बोरे मारे एक खजूर लिया, वापस किया दो बोरी, तो जो दो वापस से एहसान किया। मशहूर वाकया वक्त वाकई होंगे एक रसूलुल्लाह सल्लम के बारे में कि सफर में वो आ रहे थे, मदीना आ रहे थे, एक मशहूर साहबी के बारे में है कि उनका ऊंट बहुत कमजोर था, रसूलुल्लाह सल्लम सफर में सब लोगों से बात करते थे, इंकरेज करते थे, उनके पास आए, उनसे गुफ्तगू की, तफसीलात नहीं जाऊँगा, बहुत बहुत गुफ्तगू वहाँ चीजें आई हैं। उसमें एक बात ऊंट के बारे में कहा, तुम्हारा ऊंट कमजोर है, क्या तुम मुझे बेच दोगे? उन्होंने कहा हाँ भेजेंगे, कीमत बताई। कहा अल्लाह के रसूल ने कहा कीमत दिखा, अल्लाह के रसूल कीमत कम है, पर आपका निगोशिएशन हुआ है, वो कीमत बता रहे हैं अल्लाह के रसूल, वो ज्यादा बता रहे हैं। अब फिर दोनों में तय हो गया, जैसे कारोबार होता है, आप अपना माल है ऑफर करेंगे, हम कहेंगे ज्यादा है, तो हम कैसे करें, तय हो गया। कहा ठीक है मदीने में आ करके ये ऊँट मुझे दे देना। मदीने में वो गए ऊँट लेकर के, ऊँट की पूरी कीमत दे दी जो निगोशिएट करके तय की थी, और ऊँट तोहफे में दे दिया। ये जो दिया ना इजाफा है, जो ये इजाफा एहसान का मापा हुआ है। अगर शर्त हो जाती तो आपको ज्यादा देना होगा, रिबा हो जाएगा। बगैर मशरूत, मशरूत इजाफा जिसकी शरीयत जस्टिफिकेशन नहीं है वो रिबा है। ये टेक्निकल डेफिनेशन है। हमारे जमाने के बड़े आलिम अल्लाह के नियाज थे, और मैं बहुत कुछ पढ़ता हूँ सुनता हूँ, शकील खानी साहब अल्लाह के उनसे हम लोग मौका दे फायदा उठाने के, बड़े आलिम हैं, जिन माशियात में अच्छी निगाह होती है। उन्होंने अपनी तकरीर में एक जुमला सुनाया, मैं नोट बाद में मालूम है कि अभी जबान में मशहूर जुमला है, रिबा क्या है? वो कहते हैं कि कुल्लो कर्ज़िन जर्रा नफा, हर कर्ज जो नफा लाए, एक लोन अगर सोर्स ऑफ इनकम हो जाए तो वो रिबा है, वो मना है। कर्ज बता दो खुद नफे के जरिया बन जाए, दैट फेचेज इनकम, दैट फेचेज इनकम, वो रिबा है। हर कर्ज जो नफा लाए, नतीजे में नफा हो, वो कर्ज वो सूद है, ये डिफिनेशन है जो कि मामलों ने दिया है, हम खाल में मशहूर जुमला है जो कहा जाता है। आज के ज़माने में बड़े माशियात के माहरीन जो कि माशियात के अलावा इस्लामी उलूम के माहिर थे, हाल इंतकाल हुआ उनका दुबई में, उन्होंने अपनी तकरीर में रिबा को डिफाइन किया। ये सवाल जो पैदा होगा ना, सवाल ये पैदा हो रहा है समझ लीजिए कि जो चीज जस्टिफाइड नहीं है, क्या चीज जस्टिफाइड है फिर? अगर ये मालूम हो जाए कि जस्टिफिकेशन शरीयत की इजाफे में क्या क्या है, उसके अलावा जो होगा वो अनजस्टिफाइड है, वो क्या है, उसको लोगों ने पिन पॉइंट किया है हमारे बुजुर्गों में, माहिरीन में कहते हैं अगर जस्टिफिकेशन की वजह आपका लेबर है, आपने मेहनत की है, आपको ज्यादा पैसे मिल रहा है, जस्टिफाइड है। जस्टिफिकेशन की वजह कोई माल है, आपने कोई माल दिया है, कोई माल लिया उसके लिए पेमेंट हो रही है आपको, जस्टिफाइड है। कोई वजह होगी नहीं आपके एक्स्ट्रा पेमेंट की, पेमेंट क्या है सर? तो माल है सर, गुड सर्विसेज है, आपने कोई रिस्क लिया है तो आप प्रॉफिट लेंगे, प्रॉफिट हम हमेशा डिजाइन होता है, आपने लगाया था 100 रुपया मिल रहा था, 200 रुपया आपको मुनाफे मिल गया आपको, तो आपने रिस्क लिया था। ये जो सिमुलेशन है उसके बारे में आपके एक्सपर्टीज है, मैं अकाउंट्स का मान लीजिए कि मेरा एक्सपर्टीज है, हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट साथी मौजूद, आप जाइए ऑफिस में थोड़ी देर बैठिए, बिल दे देंगे, हम भी दे देंगे, वो भी दे देंगे, क्यों देंगे भाई, हमारे एक्सपर्टीज आप यूज कर रहे हैं,
आपको जो मैं आप मुझे पेमेंट कर रहे हैं किस लिए कर रहे हैं? फिर लेबर होगा, माल होगा, एक्सपर्टीज होगी, रिस्क होगा, कुछ तो होगा ना, जो इकोनॉमिक फैक्ट होगा, इकोनॉमिक उसकी कोई वजह नहीं, इसीलिए आपने पैसा दिया और मुझे आप लौटा देना होगा। ऐसा अगर है तो इस्लाम में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। इस्लामी मादशाह की मैं बात पूरी करूँगा अपनी। इस्लामी मादशाह का एक असूल ये है कि डॉक्यूमेंट्स ट्रेडेबल नहीं है, कर्ज के तमस्कात की बाय नहीं हो सकती है। जो आप बैंक में जाकर डिस्काउंटिंग कराते हैं ना डेट डॉक्यूमेंट की, इस्लाम में तजारत नहीं है। इस्लाम में जर मनी ट्रेडेबल नहीं है। 100 रुपये का नोट है, बजाते हुए आपको हमने 90 रुपये देते, और आपको मालूम होना चाहिए, बल्कि बात बहुत ज़्यादा कोर्ट नहीं कीजिएगा, फिर आप सुन लीजिए। आज की दुनिया में दिल्ली शहर में बैंकिंग हो रही है, बैंकों के कभी कभी कैश घट जाता है। जानते हैं कहाँ से कैश लेते हैं? वो गुरुद्वारों से लेके आते हैं और कम कैश लेके आते हैं, रिफॉर्म लेके आते हैं। मैं चूँकि हमदर्द दवाखाना में रहा हूँ लालकुआ में, हमने ये कहा पैसा मांग लिया, हमको पैसा नहीं छोड़ा, बैंक से हमको देना, हमको हमारा करंट अकाउंट है, तो उन्होंने इंतजार कराया हमको और कैश मैनेज कर लिया, 1000 दिया, कुछ डिस्काउंट मिल गया हमको। ये जो कलेक्शन होते हैं गुरुद्वारों मंदिरों वगैरह में, वहाँ पर ट्रेडिंग होती है, उसकी उसमें वही फायदा होता है। इस्लाम में करेंसी जिसको आपको मनी कहते हैं वो ट्रेडेबल नहीं है। इस्लाम में ट्रेडेबल नहीं, डेट डॉक्यूमेंट ट्रेडेबल नहीं। डेट क्या होता है? कर्ज क्या होता है? कर्ज ये होता है कि हम फ्यूचर इनकम को आज यूज कर रहे हैं, यही होता है ना। मुस्तकबिल की जो आप क्या करते हैं, कर्ज आज लेते हैं और अगले महीने जो आपको सैलरी मिलेगी उससे आप पे कर देंगे। तो आप ये कर रहे हैं कि यू आर यूटिलाइजिंग योर फ्यूचर इनकम टूडे, इस्लाम इसका कायल नहीं है। ये डेट की कोई बुनियादी वजह होगी, मजबूरी होगी, लेकिन डेट एज सच फ्यूचर इनकम को आज इस्तेमाल करना, यही डेट फाइनेंसिंग है, यही क्रेडिट है, मार्केट चल रहा है। इस्लाम को डिस्करेज करता है, इक्विटी को इनकरेज करता है। ये सवाल पैदा होता है कि तस्वुरात जो है इस्लाम के, तस्वुरात जो है गैर सूद के और गैर रिबा के, क्या ये काबिल अमल है? मैं इसके जवाब ये दूंगा कि आप जिसको जिसकी हो, अभी एक महीना भी नहीं हुआ है, जजमेंट अवेलेबल है, ऑनलाइन मौजूद, पूरा जजमेंट आप पढ़ लीजिए। यहाँ पाकिस्तान की शरिया बोर्ड ने हुकूमत को कहा है कि आप इंटरेस्ट फ्री अकाउंट शुरू कीजिए, तफसीलात बताई हैं क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, शानदार जजमेंट है वो। और मैं सिर्फ ये बात कहूँगा, दुनिया में हमसे पूछिए, दुनिया के पिछले 100 साल में सबसे बड़ा कारोबार क्या हुआ, सबसे बड़ा कारोबार दुनिया में क्या हुआ है 50 साल, तो वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का है, कंप्यूटर का है। वो कहाँ से हुआ है, किस रीजन से हुआ है? अमेरिका से हुआ है। किस जगह से हुआ? तो सिलिकन वैली कहते हैं। सिलिकन वैली के माइक्रोवे में से ही पूरी दुनिया में, इस वक्त आप माइक्रोसॉफ्ट वगैरह देखते हैं ना, जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कंप्यूटर बिजनेस है, वहीं से हुआ है। और उसके बेसिस क्या है फाइनेंस की? क्योंकि तो बेसिस इक्विटी है, डेट नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा कारोबार, दुनिया के सबसे अहम मुल्क में कह लिए बिजनेस के लिहाज से, उसके सिलिकन वैली में हुआ है। और उसका पूरा का पूरा जो ट्रेडिंग हुई है वो कर्ज पे नहीं है, इक्विटी पर है, प्रॉफिट और लॉस शेयरिंग पर है, उसको वेंचर कैपिटल कहते हैं। आप जिसकी जिसका जॉक हो पढ़ लें। मैं कहता हूँ कि अमरीका के सिलिकन वैली में वेंचर कैपिटल पर बेस, जो इक्विटी बेस है, जो डेट के खिलाफ है, अगर बिजनेस हो सकता है, हिंदुस्तान के दिल्ली के एक कोने में क्यों नहीं हो सकता है? दूसरी मिसाल मैं देता हूँ वेंचर कैपिटल के अलावा। आप कंप्यूटर पर जाइए और इंटरेस्ट फ्री कंपनीज के चले जाइए, डेट फ्री कंपनी को देखिए, लंबी लंबी कंपनी मिल जाएगी आपको, डेट फ्री कंपनीज की तवील लिस्ट आपको मिल जाएगी। जापान का पूरा पूरी ट्रेडिंग जो है मोटर कंपनी की, वो सब इक्विटी बेस है, डेट नहीं हुआ। अब मैं ये नहीं कर दावा नहीं कर रहा हूँ, अब अभी अपने मोबाइल पे जाइए, आप पे वो ये डेट फ्री कंपनी कॉर्पोरेशन डालिए, आपको लिस्ट मिल जाएगी, हिंदुस्तान में बड़ी बड़ी कंपनी मिल जाएगी जो कोई कर्ज नहीं देती है, सिर्फ इक्विटी पे काम करती है। काबिल अमल है जब सिलिकन वैली में हो सकता है, जब जापान में हो सकता है, हिंदुस्तान की बड़ी बड़ी कंपनी का नाम मिल जाएगा, तो कोई डेट नहीं है। तो सिर्फ मसला ये है, हम हिम्मत को
कि हम डेट की बुनियाद को छोड़ करके इक्विटी की बुनियाद को डेवलप करेंगे, बस हिम्मत समस्या है। तो मैं अपनी बात यहाँ पर खत्म करूंगा। मेरे पास रुझान बराबर नहीं था, मैं तैयारी करता, कुछ चीजें नोट कर ली थी। मैंने आज आपके सामने इस्लामी माशियात और जदीद माशियात के दरमियान जो बुनियादी फर्क है उसकी दो अहम बातें बताई। एक बात और है कि तस्वीर आपसे, कुरान ने मैसर कहा है, हदीस में या दुनिया की बात कहते हैं, जुए को हराम, जुआ होता क्या है? टेक्निकली पूछे किसी नाम के आदमी से, जुआ क्या है? उसको में बोलते हैं कि मेहरबान इतने लोग यहाँ मौजूद हैं, सब पैसा लगा के यहाँ रखते, किसी तरह से पैसा किसी जेब को मिल जाए, पैसे में इजाफा नहीं हुआ है, जेब से उस जेब में चला गया, तो जीरो सम गेम कहते हैं, कुल जो था वही रहेगा, सिर्फ यहाँ से वहाँ ट्रांसफर हो रहा है। तो इसके प्रोमिस की जबान में यह फनास की जबान जीरो सम गेम कहते हैं। जीरो सम गेम जो है उसका इस्लाम कायल नहीं है। इस्लाम कायल है रिस्क लें, एफर्ट करें, और रिस्क के सिलसिले में इस्लाम में कायल है रिस्क को शेयर करें, ट्रांसफर नहीं करें। कर्ज में क्या होता है, आप रिस्क ट्रांसफर कर देते हैं, कर्ज देने वाले कोई रिस्क नहीं है, जिसने लिया प्रॉफिट हो ना हो उसको देना है। इस्लाम कायल है रिस्क को ट्रांसफर नहीं करने बल्कि रिस्क को शेयर करने में। पहले आपको पैसा लगाया तो कर्ज से पूरा मिल जाए मुझे वापस, तो मुनाफा नहीं, और अगर मुनाफे में शिरकत है तो घाटे में शिरकत होगी। रिस्क शेयरिंग का कायल है इस्लाम, डेट का कायल है, मौका नहीं है इस्लाम में, इक्विटी का कायल रेट का कायल नहीं है इस्लाम, रिस्क शेयरिंग का कायल है, रिस्क ट्रांसफरिंग का कायल नहीं है इस्लाम, रिस्क का कायल है, जीरो सब गेम का कायल नहीं है। पैसा यहाँ जमा होता जाए, मुखाल में इतने सारे इख्तियारात काफ़ी होंगे, आप जितनी होगी तफसीलात की बाद में कभी बैठेंगे और शुरू कर लेंगे। आखिर जमाना अभी हम जिंदाही रखी आदमी, आप सवाल करें तो हम तेजी सवाल के लिए मेरे सर वेलकम वेलकम बहुत जल्दी देर करना, कितनी देर करना बता दी देखो बिल्कुल। सूद है वो माना जाए तो हल्का कर सूद है सूद है ठीक है। अब अगर आप किसी इसमें इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करें, मैंने किया था टैक्स सेविंग के लिए, यूटीआई का फंड था, मैंने भी किया, बाद में वाइफ के नाम भी किया, मेरे हमें मैच्योरिटी के वक्त कुछ एक्स्ट्रा मिला, वाइफ को एक्स्ट्रा नहीं मिला, लॉस हुआ, ऐसी बात है उनके बाद उनके नाम लॉस होना था, मेरी खाता था वो भी, तो वो जस्टिफाइड है, वो इजाफा भी जस्टिफाइड है, मेरे घर का लॉस भी जस्टिफाइड था। तो अगर आप किसी इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो हाँ इन्हें भी बढ़ेगा भी घट घट भी सकता है, खराब गलती नुकसान भी हो सकता है, तो यहाँ रिस्क है। मैंने वो हदीस आपके सामने सुनाई, तहसील नहीं की हदीस ने मना किया ऐसे मुनाफे थे जिसके पीछे जमानत रही हो, रिस्क नहीं हो, आपकी का रिस्क है, मेरा मेरी चीज़ें टूट जाए तो नुकसान मेरा होगा, मैं इसे बेच सकता हूँ, आपका मोबाइल मैं नहीं बेच सकता, लेकिन नुकसान जितना नुकसान है उसी को फायदा उठाने का हक है। हदीस का मफहूम यह है रिस्क होगा तो रिस्क भी होगा, बेगर रिस्क के रिस्क का इस्लाम कायल नहीं है। सिर्फ ये शर्त है कि शेयर आपने कंपनी का खरीदा उसका प्रोडक्ट दुरुस्त हो, अगर वो कंपनी का प्रोडक्ट खराब हो और भी शरारत है तो मौका नहीं है ब्रांड करने का लेकर तीन शर्त। अगर वो प्रोडक्ट शरिया का ब्रांड है तो उसका जो इक्विटी की बात कर रहा हूँ मैं, प्रोडक्ट की नहीं और इंटरेस्ट की नहीं, तो जस्टिफाइड है, बढ़ेगा भी घटेगा भी। जी आप कुछ करेंगे
अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके जिम्मेदारों से कहूंगा कि ज़कात की कंपटीशन पर रुतू कर लें, वो लंबा मौजूद है। तो हमारे यहाँ समझा नहीं जाता, क्योंकि समझ लिया कि अगर इस्लामी निज़ाम भी होगा तब भी टैक्स होगा। इतना सबको जो कहा दिया जाता है कि इस्लामी निज़ाम में ज़कात टैक्स नहीं है, गवर्नमेंट एक्सपेंसिस के लिए ज़कात टैक्सेशन हमारे यहाँ लिया गया है, जस्टिफाइड है, कोई मसला नहीं है। अब जो टैक्स पे करते हैं वो जस्टिफाइड पेमेंट है, वो गलत पेमेंट नहीं है। होता यह है कि आप जो ज़कात देते हैं जिस तारीख पर ज़कात निकाल करते हैं आप, जिस उस तारीख के पहले जो टैक्स और आप टैक्स पे कर चुके हैं उससे आपका कैश बैलेंस कम हो गया ना, और ये बेनिफिट ले लिया आपने। जो टैक्स पेबल फ्यूचर में है वो बेनिफिट लेके ना ले, ये सवाल है। पर टैक्स अगर पे कर दिया तो कैश कम हो गया आपका, तो ऑलरेडी आप बेनिफिट ले चुके, टेबल बेनिफिट कैसे लेंगे आप? जो पेड दी टैक्स ना, आपका जो बैलेंस बचा होता है आपको आपका पेमेंट है ना, नेट अमाउंट में तो बेनिफिट ले चुके आप। हर खर्च में टैक्स भी खर्च है, डिपेंड है वो। ज़कात का सिस्टम ये है कि जिस डेट में आप ज़कात पहले साल आप ज़कात पे होते हैं बने थे, उस डेट में जो एसेट आपका है नेट करेंट एसेट हम लोग बोलते हैं उसको, उस पर ज़कात देंगे आप। तो उसमें जो पैसा भी है पेमेंट के बाद का पैसा है। अस्सलाम वालेकुम, ये ऑनलाइन से भी कुछ क्वेश्चंस लेंगे क्या? वो कहते हैं कि सरकार से हमारे फंड को इंटरेस्ट मिलता है, क्या हम उस इंटरेस्ट को इनकम टैक्स पे करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? देखिए, आपने दो लोगों की बात की। पहली जो राय दी आपने वो राय बहुत बड़े आदमी की है, हरीश रवुल्ला रमानी साहब की बात लिखी है, उनके पूरे एहतराम के बावजूद, हम हमारे बुजुर्गों में राजी तौर पर बुजुर्गों में, लेकिन उनकी राय में तबाह नहीं है कि इंटरेस्ट ये टैक्स जो है वो अनजस्टिफाइड पेमेंट है, मूल की जरूरत उसके लिए पेमेंट है, जस्टिफाइड पेमेंट है। दूसरी बात यह है कि इंटरेस्ट से एडजस्ट करने की बात कही जाती है, मेरी राय नहीं है। मेरी राय इंटरेस्ट के बारे में यह है, जैसे कपड़े पे धूल लगाइए तो क्या करेंगे आप? धार देंगे उसको। इंटरेस्ट की है कि आपके अकाउंट में गलत चीज आके निकाल के खर्च कर दीजिए, गलत सवाल के लिए के उसको जस्टिफाई ग्लोरीफाई ना कीजिए, उसको आइटम आप मान लेंगे ग्लोरीफिकेशन होगा। मेरी हो रहा है नहीं, आखिरी सवाल आपका होगा, आखिरी सवाल होगा, आखिरी कर सकते आखिरी जी जी हाँ जी मैं आपको बात नहीं समझा, मैं अपने बात बता रहा हूँ आपको। हर साल के प्रीमियम जो पे किया उसके अलावा जो पैसा पहले पे कर चुके थे उसको हमने ज़कात के पेमेंट में अपना एसेट समझा, उस पर टैक्स दिया, ज़कात दी, माफ कीजिएगा। जितना हम प्रीमियम पहले दे चुके थे अपकरण मिला के ज़कात दी, तो क्या मसला उसने है? हर साल ज़कात देते जा रहे हैं उसके ऊपर जो अमाउंट ड्यू हो रहा है। इसके चांसेस से 10% नहीं है। जो म्यूचुअल फंड जो लोग होते हैं वो अपना पोर्टफोलियो डिक्लेयर करते हैं, इसके चांसेस, उसके अलावा भी खराबी उसमें है। खराबी है कि पोर्शन पाबंद होते हैं लगाने के लिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में। मसला ये है कि आपके पास दूसरा ऑप्शन क्या है, बचे हुए ऑप्शन सबसे जो कमतर ऑप्शन है, जो बेहतर कह लीजिए, उसको ऑप्ट करेंगे आप, या बिल्कुल नहीं करेंगे, फुल टैक्स पे कर देंगे। टैक्स की प्लानिंग में जो बेस्ट ऑप्शन है उसमें कुछ कमी भी है, कमी बहुत बड़ी है। गवर्नमेंट एक पोर्शन पाबंद करती है लोग फंड मैनेजर को, एक गवर्नमेंट सिक्योरिटी में लगाए वो इंटरेस्ट होता है, या हो सकता है कि गलत कंपनी में लगाए। तो मेरे एक साथी हैं जो बाहर हैं इसके, तो सारे मिसाल नाम मिलते हैं, वो कहते हैं दुनिया के वाहिद मुल्क है जिसमें शरिया कंप्लायंट सबसे ज्यादा मुल्क है। इस मुल्क में कोई बड़ी कंपनी शराब की नहीं, कहा जो कंपनी है ज्यादातर प्रोडक्शन बेस्ड कंपनी है, ये प्रोडक्शन का मुल्क ही है, तो यहाँ ही मसला कम पैदा होता है। अगर थोड़ी सी मसाइल भी है तो जो पैसा मिल रहा है उसको उतना परसेंट हिसाब करके
चैरिटी में लगा दीजिए, मैं यही मशवरा देता हूँ लोगों को, या तो फुल टैक्स पे कीजिए, प्लानिंग ना कीजिए। प्लानिंग करने में कम से कम जहाँ नुकसान है वहाँ जाइए और उसका एस्टिमेट करके उसका पोर्शन जो आपको पैसा मिलता है वो आप लगा दीजिए चैरिटी में। आपकी नियत से एक बार मैं आप सबकी तरफ से यह चैलेंज कराता हूँ, इंशाल्लाह सारे सेशंस के खत्म होने के बाद बहुत सारी चीजें क्लियर होगी। और लास्ट सेशन हमारा क्वेश्चन आंसर का ही है, जिसमें एक्सपर्ट और वकील साहब होंगे, मौजूद होंगे। हम इस मौके का पूरी तरह से इस्तेमाल करते हुए हम बहुत शुक्रगुजार हैं जनाब डॉक्टर बकार अनवर साहब का, जिन्होंने अपना वक्त निकाल कर यहाँ पर दिया है और अपने खास कराया है। बहुत